कितने वर्ष से आती और जाती है। लोग अपने जीवन में सुख दुख की कहानियों के साथ मशगूल रहते हैं और इसी उतार चढ़ाव के बीच हमारे राज्य में क्या कुछ प्रमुख खबरें घटनाएं आदि घटी है, आइए आपको दिखाते हैं आज के इस हमारे सेशन में। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर वन लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। चुनाव के पहले अगर प्रचार की बात करें तो कालिंपोंग में वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की। पहाड़ की समस्याओं के लिए, पहाड़ की जनजातियों की समस्याओं के लिए सालों से संघर्ष कर जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, वो सभी गोरखा भाइयों बहनों को विनम्र श्रद्धांजलि पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से लेकर मैं मेरी बात शुरू करना चाहता हूँ। सिलीगुड़ी में भी नहीं बल्कि कूचबिहार में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किए, जिसे देखने के लिए हजारों की हुजूम देखी गयी। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण इस चुनाव में हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारे सभी साथी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज दिल्ली से बहुत सारे कैमरा कलकत्ता पहुंचे हैं, लेकिन अगर एक नजर यहां भी कर लेते तो उन्हें पता चलता कि लहर किसको कहते हैं। हमारे यहां हम बचपन से सुनते आए हैं, जो बंगाल करता है पूरा देश उसको फॉलो करता है। आज भी ये बंगाल जो कर रहा है पूरा हिंदुस्तान इसी कदमों पर चल पड़ा है। बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी, अरे मैं भी अगर यहां आकर के इतना बड़ा विशाल जनसागर न देखता तो मैं अंदाज नहीं लगा सकता कि स्थिति की नैया टूट चुकी है। आपको यहां आने से रोकने की सारी कोशिशें किस तरह नाकाम हुई है, ये जनसभा को देख करके नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसमें पूरे तरीके से अपनी ताकत झोंकी। सरकारी इनकम जो 1,53,000 कोटी है, जो बाड़ी हमने करी सीपीएम देना शोध करते गए 1,40,000 कोटी टाका दिल्ली नरेंद्र मोदी केटे नहीं गेछे। तो हमरा कोथा थेके काज करबो? सीपीएम देना हमरा पाप करी नी। আমি জীবনে জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে কাজ করি না। জনগণ আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ, এরাই আমার পরিবার। আমার নিজস্ব কোনো পরিবার নেই, আমার নতুন করে পাওয়ার কিছু নেই। যতদিন বাঁচব মানুষের কাজ করে যাব, মানুষের সাথে থাকব। নতুন ব্রিজ চালু করা শুরু করা হয়েছে, এরকম অনেক কাজ, পানীয় জল, রাস্তাঘাট, নতুন জেলা, স্বাস্থ্য জেলা, মাদ্রাসা, স্টেডিয়াম। साथ ही अन्य सभी पार्टियों के नेताओं ने इस महाचुनाव में प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकतें झोंक दी। चुनाव के बाद भी बीजेपी एवं टीएमसी के बीच में बंगाल में भारी तरीके से माहौल गर्म दिखा, जिसमें दोनों पार्टियों के दर्जनों नेता एवं कार्यकर्ताओं की जाने भी गई।
सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग एवं इसके आसपास एवं संसदीय क्षेत्र व राज्यों में क्या कुछ सत्ता परिवर्तन हुई है। आइए दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से इसकी शुरुआत करते हैं। चुनाव में कई हैवीवेट नेता उतरे, जहां लोकसभा में भाजपा के एक नए एवं जोशीले एमपी के रूप में राजू बिष्ट कर चुनकर भेजा गया, जिसे यहां के लोगों ने अपने महत्वपूर्ण मतदान दिया एवं उन्हें अपने उम्मीदवार बनाया। और अब देखना है कि वो उन सभी के बातों एवं वादों को कैसे पूरा करेंगे। आशीर्वाद दिनोस। साथ ही अगर बात विधानसभा की करें तो सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच घमासान युद्ध थी। गोजामु प्रमुख विनय तामंग को करारा झटका देते हुए भाजपा प्रत्याशी नीरज जिम्बा ने बहुमत हासिल किया एवं एमएलए बने। एउटा जीत को महसूस हुँदै गयो, जनता ने मलाई जिताई सकेको जस्तो मलाई महसूस भएको छ। महाभारत को युद्ध में कसले जित्छ भने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। राम र रावण को लड़ाई में कसले जित्छ भन्ने यो तपाईलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर अहिले के छ भने यो एमएलए चुनाव एउटा राजनीतिक बाध्यता। मलाई कुनै एमएलए हुने शोक थिएन, मैले सपनामा पनि सोचेको थिएन म एमएलए हुन्छु हुनु चाहन्छु भन्ने, किनभने आजभन्दा अगाडि हामीले 9 जना विधायकहरू पश्चिम बंगाल एसेम्ब्लीमा पठाइसकेको छौँ। जति जति जना विधायकहरू गयो सबै पब्लिक हुनेछ, पब्लिक आफ्नो पार्टीलाई धोका दिनेहरू, जातिलाई धोका दिनेहरू। हेर्नुहोस् त, अब कसैको नाम म भन्नु चाहदिनँ, दार्जिलिङमा पनि छ, कालिम्पोङतिर पनि छ, खरसाङतिर पनि छ। यो एमएलए भनेको के हो अब कस्तो कसैले नबुझ्ने, आशीर्वाद दिएरै पठाएको यहाँको अध्यक्षले, जनताले पनि खदामाला गरेकै हो। अब कलकत्ता जान्दा त माछा पनि सर्छ, गरम जग्गा हो, माछाको त अब कान खोलेर हेर्छ सडेक छ कि सडेक छैन भनेर। अब यो एमएलए को चाहिँ के खोलेर हेर्नुहुन्छ तपाईले, यो अचम्मै छ यो एमएलएहरुको। तर अब यो मैले अघि भने चुनाव भन्दा ठुलो चुनौती विनय तामाङ कुनै फ्याक्टर होइन। विनय तामाङ जो जोले त मुङ्गेरी दालको हसिन सपने देख्नु त अस्तिकै थालेको। एमपी चुनावमा पहिला 1.5 लाख भोट बन्दै थियो, त्यो पछि बिचमा राजु विष्टजी आउँदा 2 लाख बन्यो, लास्ट लास्टमा त उसले 3 लाख भोटले हामी जित्छौ भन्दै थियो। जस्तो एमएलए एमपी चुनाव भयो त्यो पछि उसले भन्नु थाल्यो 700 ले जितेको पनि जितेकै हो भन्दै थियो। अब आपको ले चलते सिक्किम एवं दिखाते हैं इस बीच वहां कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ। सिक्किम का चुनाव अपने में एक इतिहास बनकर रह गया है। 25 वर्षों से शासन कर रहे एसडीएफ पार्टी सुप्रीमो पवन कुमार चामलिंग के गढ़ में घुसकर उन्हीं के खिलाफ संपूर्ण सिक्किम वासियों में अपने प्रति विश्वास जागरूक करना व ढेरों मतों से एसकेएम पार्टी ने जो अपनी जीत हासिल की है उससे मानिए पूरे सिक्किम में भूकंप सी आ गई हो। हालांकि एसकेएम प्रमुख पीएस गोले के ऊपर केस भी चल रही थी, इसके बावजूद भी उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। साथ ही कई पार्टियों में नेताओं एवं दर्जनों सदस्यों के दल परिवर्तन की स्थिति भी इस बीच सामने आई। उपचुनाव भी जीतकर आधिकारिक रूप पर पीएस गोले मुख्यमंत्री बने। वहीं जलपाईगुड़ी में जयंत कुमार राय भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने। अलीपुरद्वार में जॉन बार्ला व कूचबिहार में भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी निशित प्रमाणिक ने भाजपा का झंडा लहराया। ये तो थी राजनीतिक गर्माहट, लेकिन वास्तव में असली गर्म या यूं कहूं कि पूरे साल भर में सिलीगुड़ी में आगजनी की स्थिति काफी भारी पैमाने में देखी गई। एक के बाद एक न जाने कितनी जगहों में आगे लगी, जिससे लाखों के नुकसान के साथ साथ कई मासूमों की जानें भी गई। एक ही दिन में 2 अलग-अलग जगहों हाकिमपारा खफड़ेल मोड़ संलग्न भयानक आगजनी घटी। वहीं विधान मार्केट की आग की लपटें तो यूं उठी कि लगातार रूप से कई दुकानों को अपने चपेट में ले ली।
इसी बीच जक्सन इलाके में 14 दुकानों में भयावह रूप से आगजनी की घटना सामने आई, जिससे आसपास की दुकानों को भी इसने अपने चपेट में ले लिया। अगर दो दिन पहले की बात करें तो चंपासारी में आग लगने से लगभग 8 दुकानें जो कि चिकन की थी, चिकन शॉप, वो पूरे तरीके से जलकर राख हो गई। और वहीं घोसपुकुर में एक जूट कारखाने पर भी भयावह आगजनी की घटना सामने आई। न सिर्फ बंगाल बल्कि देश के विभिन्न अलग अलग हिस्सों में आए चक्रवाती तूफान फनी का कहर देखा गया। चक्रवाती तूफान फनी को इस वर्ष बेहद खतरनाक साबित हुआ। बुलबुल चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल में भीषण तबाही मचाई, जिससे राज्य को लाखों की नुकसान हुई। ओडिशा, मुंबई, बंगाल, गुजरात, केरल सह संपूर्ण भारत में इसका प्रभाव देखा गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस बीच हेलीकॉप्टर के माध्यम से स्थिति का जायजा ली। वहीं इसी बीच एक्सीडेंट और वाहन दुर्घटना में मृत्यु की खबरें भी कम नहीं रही, जिसमें सेवक दुर्घटना चर्चे पर रही। यात्रियों से भरी गाड़ी तिस्ता नदी में ऐसे विलीन हुई जैसे बादलों में तारे। किसी यात्री के शव को नदी से बरामद किया गया तो किसी को हल्दीबाड़ी तटीय किनारे से, लेकिन गाड़ी चालक को ढूंढ निकालने में नौसेना अभी भी असफल रही। मृत्यु की बात करें तो इस वर्ष सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 23 नंबर वार्ड के पार्षद कृष्ण चंद्र पाल को खोया। भाजपा जिला सांगठनिक अध्यक्ष अभिजीत राय चौधरी की वाहन दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। वही वरिष्ठ साहित्यकार समर चक्रवर्ती सहित कई दिग्गज पंचवतत्व में विलीन हो गए, जिसे एसके लाइफ भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जगह जगह पर हाथियों के तांडव से लोग परेशान दिखे। कहीं हाथियों के उपद्रव से लोगों के घर टूटे तो कहीं ट्रेन के पटरी के सामने हाथियों को फंसे देखा गया। इसमें दुखद खबर यह भी है कि ट्रेनों से कटकर हाथी की मौत भी हुई। अब बताते हैं इसी बीच चोर उचक्के तस्कर आदि ने क्या किया। रॉयल बंगाल टाइगर के चमड़े, कई किलोग्राम सोने के बिस्कुट, जाली नोट, विदेशी डॉलर, अग्निअस्त्र, कछुआ, देसी विदेशी शराब आदि बरामद कर व जब्त किया गया, जिसे एक जगह से दूसरे जगह तस्करी की जा रही थी। बंगाल सफारी पार्क में रीका टीका नामक दो बाघों को छोड़ा गया, जहां घूमने आने वाले पर्यटकों को लुभाने के लिए टॉय ट्रेन की भी शुरुआत की गई। अलीपुरद्वार के डीएम निखिल निर्मल की पत्नी को केंद्र कर कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा फेसबुक पर अश्लील बातें की गई, जिसके बाद डीएम ने उक्त व्यक्ति की धुलाई किया, जिसके फलस्वरूप डीएम का तबादला कर दिया गया। वहीं पूरे साल में न जाने कितने अनगिनत ऐसे मामले भी सामने आए, जिसने सभी के लोगों को शर्मसार कर दिया। फिर चाहे वो कोई छोटी सी बच्ची हो, नाबालिग, बालिग या फिर हैदराबाद की बेटी प्रियंका रेड्डी। मालदा में एक बार फिर निर्भया कांड हुआ और मासूम लड़की को जिंदा जला दिया गया। न जाने वो कौन और कैसे लोग होते हैं जिनके दिलो दिमाग में इस प्रकार के तुच्छ विचार आते हैं। इनमें कईयों को सजा मिलती है तो कई बेखौफ खुलेआम घूमते हैं फिर किसी मासूम को अपना शिकार बनाने के लिए। अब हम बताते हैं कि कुल मिलाकर सिलीगुड़ी में इस बीच और क्या क्या घटनाएं घटी। विधान मार्केट में बम मिलने से पूरे इलाके में उत्तेजना की स्थिति देखी गई। अवैध रूप से चल रहे सिलीगुड़ी में टोटो को स्क्रैप किया गया। जय श्री राम के नारे लगाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत भी हुई। खुलेआम लोगों की मार धुलाई, मॉब लिंचिंग की आदि घटनाएं सामने आई। वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सपनों के प्रोजेक्ट भोरेर आलो आवास स्थल पर भयावह अग्निकांड की घटना सामने आई। सिलीगुड़ी का महिला कॉलेज में कॉलेज की छात्राओं एवं बाहर से आई हुई कुछ छात्राओं के बीच घमासान झड़प भी हुई। वहीं सिलीगुड़ी में कलयुगी पति ने अपनी ही पत्नी एवं 9 माह के बच्चे का हत्या कर दिया। सिलीगुड़ी में इस दौरान कॉल सेंटर के आर में देह व्यापार का धंधा भी काफी सामने आया। इसके संलग्न हेलीकॉप्टर को धक्का मारते भी देखा गया। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने अपने सत्य पर रहने के दौरान हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अस्पताल का उद्घाटन किया। पहाड़ पर इस बीच 11 जनजाति मुद्दा भी काफी गरमाया। सिक्किम के पालजो स्टेडियम में जनता मेला का आयोजन किया गया। सिक्किम में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर माहेश्वरी समाज की महिलाओं के द्वारा देश के जवानों के हाथों में राखी बांधी गई एवं मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया गया। सिक्किम के रंपू में विशाल का एक क्रिकेट मैदान बनने जा रहा है। बाहर से घूमने आए पर्यटकों के लिए इस वर्ष उत्तर पूर्व की पहाड़ियों पर बरसती स्नोफॉल खूब लुभाई। आते हैं कुछ गेमों की तरफ। हम सभी जानते हैं कि आजकल बच्चों को मोबाइल में तरह तरह की गेमों को खेलते हुए देखा जाता है। खेल भी ऐसे ऐसे जो जान तक ले लेती थी, फिर चाहे वो मोमो गेम हो या ब्लू व्हेल। और अभी भी बहुत सारे बच्चे पबजी के सिकस्त में हैं। न भूख न प्यास, बस लगे हुए हैं पबजी में।
जरूरत है कि जिम्मेदार माता पिता ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों पर ध्यान दें कि वे क्या करते हैं और क्या नहीं। वहीं अगर हम कालिंपोंग की बात करें तो कालिंपोंग के रहने वाले एक व्यक्ति को कुछ असामाजिक तत्वों ने मारकर उसकी शव को जमीन में दफना दिया था, जिसे पुलिस ने जांच कर 5 दिनों बाद निकाला एवं पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अगर बंगाल की तरफ हम देखते हैं तो पश्चिम बंगाल राज्य का एक बड़ा चीट फंड घोटाला काफी गरमाया, जिसका नाम है शारदा कांड। जहां एक तरफ शारदा चीट फंड घोटाले में पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की भूमिका की जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ रात भर धरना भी दिया। वहीं उत्तर बंगाल के चाय बगानों एवं श्रमिकों की बात करें तो चाय श्रमिकों के 20% बोनस की मांग को लेकर दार्जिलिंग पर गोजामुं अध्यक्ष विनय तामंग ने आमरण अनशन शुरू किया था, जो लगभग 6ठे दिन पर समाप्त हुआ। इस अनशन में प्राय सभी क्षेत्रीय दलों में उन्हें अपनी समर्थन दी एवं रैलियां भी निकाली। यह अनशन इतना असरदार था कि चाय श्रमिकों को 20% बोनस भी मिला, लेकिन इसी बीच विनय तामंग की तबीयत भी काफी बिगड़ गई। अब आपको बताते हैं दादा के बारे में, यानी सौरभ गांगुली के बारे में। दादा के नाम से पहचाने जाने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान रह चुके सौरभ गांगुली वर्तमान में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसी बीच गुटखा एवं निकोटीन पदार्थों पर पूरे तरीके से बंगाल सरकार ने बंद लगा दी थी, लेकिन फिर कई दिनों बाद ये खुले आम बिकने लगी है। वहीं एनआरसी और सीएए को लेकर पूरे देश के साथ साथ शहर सिलीगुड़ी, तराई, डुअर्स एवं पहाड़ों में भी इसके खिलाफ आगे जली पथावरोध हुआ, जमकर नारेबाजी हुई। केंद्र सरकार के विरोध में पुतले फूके गए, रैलियां, जनसभाएं आदि हुई, जहां असम में रेड अलर्ट भी जारी की गई थी। वहीं दूसरी तरफ इसके समर्थन में सिलीगुड़ी में इसी बीच भाजपा के द्वारा एक विशाल जन रैली का आयोजन भी किया गया, जहां दार्जिलिंग जिला के सांसद राजू बिष्ट, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्रनाथ फडणवीस, भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा, कई जिलों के सांसद, कार्यकर्ता, सदस्य एवं हजारों की संख्या में लोगों की हुजूम सड़क पर उतरी। कानून के समर्थक में खड़े हुए भारत माता के, भारत माता के, और ममता दीदी अभी बीमार है, उनको कुछ हो गया है, वो तांत्रिक की भाषा बोल रही है, छी छी छी। मैं कहना चाहता हूँ टीएमसी छी 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 छी। आज ये विशाल रैली ने ये दिखा दिया है कि 2021 में भाजपा की ही सरकार बनेगी, और यह की जनता की डिमांड है कि हमें बंगाल में भी मोदी जी ही चाहिए। दार्जिलिंग के सांसद होने के नाते मैं आप सबका दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इतने दूर दूर से इतनी भारी रुकावट के बावजूद भी आप यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। ये सीए जो कानून है हम सब की भलाई के लिए है, बंगाल की भलाई के लिए है, देश की भलाई के लिए है। इस कानून से किसी भी राजवंशी, आदिवासी, कोच, मेचे, टोटो, राबा, गोरखा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए सीए कानून बहुत अच्छा है। भारत माता की, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, अब शांति से हम अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। भीड़ भाड़ बहुत है, लेकिन ये ध्यान रखना है किसी तरह की अशांति नहीं हो, किसी को चोट नहीं पहुंचे और किसी तरह की भगदड़ ना मचे, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम सब भाजपा के कार्यकर्ता है, हम जानते हैं हमें अनुशासन में कैसे रहना है। इस चीज का ध्यान रख करके धीरे धीरे एक एक करके यहाँ से हम अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। भारत माता की जय। राहुल दा, हालांकि इसमें प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा ने अपनी अभिनंदन रैली निकाली और बंगाल में अपना ताकत दिखाया। अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि इस बीच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में पहली बार पिंक कलर के गेंद से डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया, जिसे देखने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर व विधायक अशोक भट्टाचार्य, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सह
अन्य नेतागण भी मौजूद थे। ये तो थी क्षेत्रीय घटनाएं। अब आपको दिखाते इस बीच संपूर्ण देश में क्या क्या बड़ी घटनाएं घटी। सबसे पहले जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर राज्य से इसकी शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक ऐसा लेख था जो जम्मू कश्मीर को स्वायत्ता का दर्जा देता था। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए संकल्प प्रस्ताव के अनुसार आर्टिकल 370 का सिर्फ एक खंड लागू रहेगा और बाकी सभी खंड समाप्त कर दिए गए हैं। सरकार के ऐलान के अनुसार जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा, वहीं लद्दाख को दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आर्टिकल 371, एक मिनट प्लीज। मान्यवर, आर्टिकल 371 का जिक्र किया, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 371 के किसी भी प्रोविजन को ये बिल वायोलेट नहीं करेगा, इसको आहत नहीं करेगा, वो जस्ट के जस्ट। अब बात करते हैं पुलवामा पर आतंकी हमले का। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने भारतीय सेना की एक बस को निशाना बनाकर उसे उड़ा दिया था, जिसमें 44 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद पूरे देश में उबाल सा आ गया। अब बात करते हैं बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 जेट्स ने नियंत्रण रेखा पार की और पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद संचालित आतंकवादी शिविर पर हमला किया। इस दौरान 200 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए। इस एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने पुलवामा में मारे गए भारतीय जवानों को शहादत का बदला लिया। अभिनंदन की वापसी पर अगर बात की जाए तो 27 फरवरी के सुबह पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को सीमा से खदेड़ते समय भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और LOC क्रॉस करके POK पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गिर गया था, जहां उन्हें पाकिस्तान सेना ने हिरासत में ले लिया था। इसके बाद भारत की तरफ से लगातार पड़ रहे दबाव के चलते 3 दिन पाकिस्तान की हिरासत में रहने के बाद 1 मार्च को अभिनंदन को अटारी बॉर्डर के रास्ते सकुशल अपने देश भारत भेज दिया गया। इसी बीच अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो साल 2019 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल कर कांग्रेस को धूल चटा दी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 30 मई को नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। अब बात करते हैं इसरो चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 से लेकर PSLV तक इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। 22 जुलाई 2019 का दिन भारत के लिए सबसे बड़ा दिन था, जब भारत में चांद पर पहुंचने वाले पहला कदम आगे बढ़ाया। चंद्रयान 2 की सफलता पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। ये एक भारतीय चंद्र मिशन है जो पूरी हिम्मत से चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा, जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंच सका है। वहीं 3 तलाक की अगर बात करें तो मुस्लिम महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक से जुड़े अहम मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए इसे पूरे तरीके से हटा दिया। हैदराबाद कॉलेज ने एक फरमान जारी करते हुए कहा कि लड़कियां अगर सूट पहनेंगी तो उन्हें अच्छे रिश्ते मिलेंगे। अगर सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें तो सरकार ने 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके चलते 2 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि हर शहर में किसी भी तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। ये इस साल का एक बेहद बड़ा फैसला था। अब बात करते हैं सबसे बड़े फैसले अयोध्या केस की सुनवाई पर। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए राम मंदिर निर्माण के लिए आज्ञा दे दी। कोर्ट ने 2.77 एकड़ की विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया और साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ की जमीन देने का फैसला सुनाया। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र में इस बीच क्या सियासी उलटफेर हुए। साल 2019 को महाराष्ट्र में एक बड़ी सियासी घटना हुई। भाजपा ने NCP प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के साथ मिलकर रातों रात सरकार बना ली। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस सिर्फ 3.5 दिन ही
सीएम के पद पर टिके रह पाए। भाजपा शिवसेना की 30 साल पुरानी दोस्ती टूट गई और 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे ने सीएम की कुर्सी संभाली। झारखंड चुनाव की बात करें तो वर्ष 2019 में कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के साथ गठबंधन कर हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। वैसे तो प्याज को काटने से लोगों के आंखों से आंसू निकलती है, लेकिन 2019 में प्याज के बढ़ते दर से ही इसने लोगों को रुलाया। अब बात करते हैं सबसे गर्माए मुद्दे सीएएबी पर। साल 2019 का समापन उपद्रव और प्रदर्शन से हुआ। 11 दिसंबर को नागरिकता संशोधन बिल के राज्यसभा में पास हो जाने से देश में धर्म के नाम पर सियासत शुरू हो गई। अब नए कानून के हिसाब से कानून के मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आया हुआ कोई भी हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई नागरिक जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आया हो, उसे अवैध नागरिक नहीं माना जाएगा। इस कानून के विरोध में देश के कई हिस्सों में आगजनी, पथराव और न जाने क्या क्या घटनाएं सामने आई। भारत ने 2019 में कई दिग्गज नेताओं को भी खोया। इन नेताओं ने सिर्फ देश बल्कि विश्व स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई थी और देश के बड़े ओहदों पर रहते हुए खास जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया था। बड़ी बात तो यह है कि इस साल सबसे बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी को पहुंची, क्योंकि उसके 3 दिग्गज नेताओं ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आइए आपको बताते हैं इस साल किन बड़े नेताओं का निधन हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस का 29 जनवरी 2019 को निधन हो गया। बीजेपी के दिग्गज नेता मनोहर पारिक का 17 मार्च 2019 को अग्नाशय कैंसर के कारण निधन हुआ, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का 20 जुलाई 2019 को उन्होंने सभी को अलविदा कह गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी का 28 जुलाई 2019 को एक अस्पताल में निधन हो गया। बीजेपी की कद्दावर नेता रही सुषमा स्वराज का निधन 6 अगस्त 2019 को हो गया। वह 67 वर्ष की थी। सुषमा स्वराज देश की पहली महिला विदेशी मंत्री के तौर पर जानी जाती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का निधन 19 अगस्त 2019 को हो गया, तो वहीं 82 वर्षीय मिश्र ने अंतिम सांसें दिल्ली में ली थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर का 21 अगस्त 2019 के भोपाल में एक निजी अस्पताल में दिल के दौरे पड़ने से उनका निधन हो गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का लंबी बीमारी के बाद 24 अगस्त 2019 को नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद गुरुदास दासगुप्ता का 31 अक्टूबर 2019 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी का लंबी बीमारी के बाद भोपाल के एक निजी अस्पताल में 24 नवंबर 2019 को निधन हो गया। भारत के वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी का 95 साल की उम्र में 8 सितंबर के दिन निधन हुआ। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अब बात करते हैं गोल्डन गर्ल हिमा दास के बारे में। भारत की युवा एथलेटिक हिमा दास साल 2019 जुलाई के महीने में यूरोप में हुई अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 गोल्ड जीतकर सुर्खियों में छाई रही। हिमा ने 2 जुलाई को पोलैंड में, 7 जुलाई को पोलैंड में ही कुंटो एथलेटिक मीट में, 23 जुलाई को क्लाइनो चेक गणराज्य में, 17 जुलाई को चेक रिपब्लिक में टाबोर क्राप्रिमी में और 21 जुलाई को चेक गणराज्य में ही नोवे मेस्टोनॉट मेटुजी ग्रापी में गोल्ड जीतकर विश्व में भारत का परचम लहराया। जहां क्रिकेट है वहां भारतीय प्रशंसक है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि गूगल पर साल 2019 की टॉप सर्चिंग में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप रहा है। भले ही भारत ने विश्व कप फाइनल में जगह नहीं बनाई, लेकिन दुनिया भर में प्रशंसा बटोरी। स्कोर, टीम अपडेट और वर्ल्ड कप से जुड़ी जानकारी जानने के लिए हजारों भारतीय गूगल पर गए। कुल मिलाकर कहीं खुशी तो कहीं गम के नज़ारे देख गए। हम यही सोचते हैं कि इस वर्ष इस बीच हमारे शहर में, हमारे राज्य, संलग्न राज्यों एवं संपूर्ण भारतवर्ष में जो कुछ भी घटनाएं घटी वो आने वाले समय में ना घटे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हमें दीजिए विदा और आने वाले नए वर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देते हुए आज हमें विदा दीजिए। आगे सभी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।